सेकंड बस 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 अभी तो नहीं सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट खत्म करके बोला हाँ बोलते ना कि बच्चों से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं होता और खासकर जब आज इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और जो भी इनकी मस्ती देखेंगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर जिस तरह पूरा हिंदुस्तान इनको टेलीविजन पे एंजॉय करता है आज वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज लाइव परफॉर्मेंसेस। बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट इट्स आई वुड से प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हम पल्टन का हिस्सा हैं और लोगों को ट्रेलर्स पसंद आ रहे हैं सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं और आई थिंक जो हिंदुस्तान की जो कॉर्ड है इमोशनल जो अपने देश के लिए पेट्रियाटिक कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं छुई है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फिंगर्स क्रॉस देयर। बॉर्डर की याद आ रही है जी बहुत अच्छी बात है आई थिंक बॉर्डर एक ऐतिहासिक फिल्म है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं जब व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ डायरेक्टर लाइक जेपी दत्ता बट होपफुली कि हम भी जो बॉर्डर ने कमाल दिखाया हम लोग भी उसका कुछ परसेंट कर पाएँ सो आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस बट ओनर जी बता सकते हैं बट लाइक आई सेड इमोशंस अगर हमारी जुड़ी हुई हैं तो जिनका स्टूडियो है उनकी तो हमसे ज़्यादा इमोशंस होंगी सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोच समझ के पूरी फैमिली ने डिसीजंस लिए होंगे बट लाइक आई सेड यू नो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमारी एक बड़ी हमें स्पेशल प्लेस रखी हुई हैं। अच्छा यू नो बहुत अच्छी बात है इतने कमाल के एक्टर्स को लॉन्च किया था आई एम श्योर एज एन एक्टर ऑल्सो यू डू वंडर्स एंड ऑल द बेस्ट टू हट्सा फॉर दैट। इसके अलावा रियो के बाद में देखा जो एशियन गेम में पीवी सिंधु फाइनल में चली गई फर्स्ट वुमेन है जो कि फाइनल में गई हुई है टेनिस की बात करते क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। आई थिंक सिंधु इज ऑलवेज मेकिंग अस प्राउड और हर जगह पे उन्होंने नाम कमाया है एंड आई एम ग्लैड कि वो जीतें और देश को गौरव जैसे हमेशा बढ़ाती हैं और बढ़ाती रहें। थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस। अरे मैंने बहुत कुछ सुना है इस शो के बारे में कि बच्चे हैं 5 साल के हैं आई थिंक सबसे बड़ा इज अबाउट 5 and a half ईयर्स ओल्ड और वो 4-4 पेज के डायलॉग याद करके आ जाते हैं स्टेज पर और परफॉर्म करते हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस वंडरफुल टैलेंट। अच्छा हर्षवर्धन एंड अर्जुन जी आपकी मूवी का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है कितनी एक्साइटमेंट चल रही है और को स्टार्स में सबसे ड्रामेबाज कौन है अगर हम बात करें तो? सबसे ड्रामेबाज तो डेफिनेटली सोनू होंगे हाँ उनमें बहुत एनर्जी है वो कहीं भी चढ़ जाते हैं चलांग लगाते हैं फ्लाइक की तरह हैंग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी आए हैं इस शो के लिए तो वो भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे। हर्षवर्धन आप क्या कहेंगे कितनी एक्साइटमेंट है पल्टन के बारे में? बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम सब रियल ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं और फिक्शन नहीं है ये रियल है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है और बाकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ साथ में तो बहुत मुझे खुशी है बहुत सीखने को मिल रहा है। अच्छा इस फिल्म से थोड़ा हटके सवाल पूछूंगी लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है आरके स्टूडियोज जो कि हिस्टोरिकल स्टूडियो है उसका सेल होने जा रहा है ऑक्शन होने जा रहा है या तो एज अ एक्टर क्या इमोशंस जुड़े होते हैं स्टूडियोज के साथ और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा मैंने शूट किया आरके स्टूडियोज में काफ़ी बार इट्स डेफिनेटली अ वेरी आइकॉनिक स्टूडियो तो आई डोंट नो ये सेल हो रहा है कि क्या हो रहा है आई डोंट नो हाउ फार दैट्स ट्रू और फॉल्स मगर इट बी आई डोंट नो आई थिंक इट्स अप टू द फैमिली। एज अ एक्टर कितने इमोशंस जुड़े होते हैं जैसे आपने कहा कि आपने शूटिंग की है वहाँ पर तो लकली आप शॉट दे आई मीन मगर क्या है टाइम्स चेंज एवरीथिंग चेंजेस और
you know, that it was an iconic studio, it still is, and I hope if it will remain. हर्षवर्धन आप क्या कहेंगे? हमारा पर्सनल भी कभी कुछ लॉस होता है घर में भी अगर कुछ कई बार आग लग जाती है कुछ होता है वी ऑल गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा और आर के स्टूडियो तो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के उसमें कॉस्ट्यूम्स थे और सब कुछ था जो सब कुछ जल गए बट द डिसीजन दैट टेकन आई थिंक वो लोग शायद प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सफ़ेद हाथी होता है जिसको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है I think in today's day and age, I think they don't want to have that responsibility. So it's, jaise sir bol rahe hain, family ka decision hai, so we have to respect that. इसके अलावा बैडमिंटन से भी अच्छी खबर आ रही है कि फर्स्ट टाइम हुआ देखा जाता है ओलंपिक्स के बाद क्या कहना चाहिए इसके बारे में आई विश ऑल द बेस्ट आई होप शी विंस द गोल्ड और साथ ही साथ डायरेक्शन के साथ साथ आप एक्टिंग में भी नजर आने वाले हैं कितने एक्साइटेड हैं आप मैं डायरेक्शन मैं डायरेक्शन कहाँ पर कर रहा हूँ महेश मैं सोचा मेरी बात कर रहा है कि मैं डायरेक्शन अच्छा महेश भट्ट एक्टिंग कर रहे हैं वो तो बहुत कमाल के एक्टर हैं वो मेरे महेश जी तो बहुत कमाल के एक्टर हैं आई एम श्योर ही विल डू वेरी वेल जी हमेशा नर्वसनेस तो होती है क्योंकि जैसे कि हर्ष भी कह रहा था ऐसी कहानी है जो अब तक हमारे लोगों तक नहीं आई यू नो ये एक कहाँ खो गई थी किसी को पता नहीं क्यों छुपाई गई थी किसी को पता नहीं तो मगर बहुत ही अच्छी फिल्म है एक फिल्म है जिसमें आई थिंक इंडियन आर्मी को एक बहुत बूस्ट मिलेगा हम सारे इंडियंस को बहुत बूस्ट मिलेगा और जेपी दत्ता सर आ रहे हैं आफ्टर 12 ईयर सबैटिकल अपनी वॉर ट्रिलॉजी कंप्लीट करने के लिए तो इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म और ऐसी फिल्में करने को बहुत कम मिलता है सो आई होप कि दर्शक भी जाके उसे उतना ही प्यार दे जितनी मेहनत और प्यार हमने दी थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट